कमलानगर कर्मयोगी स्थित पुरानी अवधेशपुरी में अग्र मिलन समिति की ओर से रविवार को अग्रसेन जयंती 2024 के महाराजा अग्रसेन और महारानी माधवी की घोषणा की गई। वह इस मौके पर आयोजन को अगला बनाने की दिशा में परंपरागत ढंग से संजीव गर्ग को महाराजा अग्रसेन और अनीता गर्ग को महारानी माधवी बनाया गया। आगामी आयोजन को सफल बनाने की तैयारी में जुटे सामाजिक लोगों द्वारा तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इसी क्रम में रविवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष पवन बंसल ने बताया कि अग्रसेन जयंती की तैयारियां कर्मयोगी क्षेत्र में शुरू हो गई हैं। 3 अक्टूबर को कर्मयोगी चौराहा पर अग्रोहा धाम सजाया जाएगा और अग्रसेन जयंती निकाली जाएगी। समिति के पदाधिकारियों ने महाराजा अग्रसेन बने संजीव गर्ग और महारानी माधवी बनी अनीता गर्ग का उनके निवास पर जाकर पगड़ी व माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। ये हमारे लिए बड़ा शोभा की बात है कि मिलन के द्वारा कर्मयोगी के अंदर एक तो हम अग्रोहा धाम बना रहे हैं जो कि भव्यता वो अपने में अलग ही भव्यता होती है। दूर दूर दराज से यहाँ देखने के लिए आते हैं। अग्र मिलन समिति द्वारा इस क्षेत्र के अंदर जो कार्य किए जाते हैं वो अपने में अपूर्णीय है और इसके अंदर जो भी आयोजन किए जाते हैं अग्र मिलन समिति के द्वारा सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इसकी खाति कर्मयोगी की दूर दूर दराज तक फैली हुई खाति प्राप्त कर चुकी है। इसके अंदर हमारे अनेक जगहों से ढोल वायर ढोल और नासिक का ढोल अदल गाड़ियां मांगाई जा रही हैं जो कि इसको हम भव्य रूप प्रदान कर सके। हर वर्ष की बात ही अग्रसेन समिति द्वारा इस बार में तीसरी बार अग्रसेन महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है और इसी हमारा सौभाग्य है कि हमारी अपने क्षेत्र से पुरानी अवधेशपुरी से संजीव गर्ग जी महाराजा अग्रसेन जी की घोषणा की गई है और महारानी माधवी अनीता गर्ग जी जो इनकी धर्मपत्नी है। तो समिति ने संपूर्ण सब विचार करके मतलब आपको महाराजा अग्रसेन महारानी माधवी की घोषणा की गई है और आपके माध्यम से सभी को मैसेज देना चाहते हैं। हर वर्ष की भांति इस बार भी अग्रसेन समिति द्वारा अपने क्षेत्र में बहुत ही भव्य कार्यक्रम तीसरा अग्रसेन शोभा यात्रा निकालेंगे और उम्मीद है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में होगा और सभी के सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार। आज अग्रमिलन समिति के द्वारा तीसरी बार अग्रसेन महाराज जयंती निकाली जाएगी जिसके लिए हमने अपने अवधेशपुरी के संजीव अग्रवाल और भाभी जी अनीता अग्रवाल जी को महाराजा अग्रसेन और माधवी बनने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ है। आपके क्षेत्र में अग्रसेन जयंती निकलने जाती है क्या कहना चाहिए? हमारे क्षेत्र में अग्रसेन जयंती निकल रही है जिससे सारे अग्रवाल इकट्ठे हो रहे हैं। अब देखने को मिल रहा है कि जितने हमारे अग्रवाल अलग अलग थे वो सारे हमें देखने को मिलते हैं कि हमें भी एकजुटता है। महाराजा अग्रसेन संजीव गर्ग ने कहा कि मेरे पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो इस बार का अग्रसेन बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। अग्र मिलन का आजीवन ऋणी रहूंगा जो उन्होंने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया। आज महाराजा बनने की खुशी में मुझे बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि भाई पवन बंसल और तोता भाई जी ने बहुत कुकर के अब मेरा नाम घोषित किया है। मैं सभी पदाधिकारियों का चहे दिल से स्वागत करता हूँ। मुझे ये अवसर मिला है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ मतलब। और इस अवसर पर पार्षद कंचन बंसल, महासचिव संजय अग्रवाल, कोषाध्यक्ष विजय अग्रवाल, दिनेश ऋषभ, संतोष ऋचा चांदनी, तनीषा आदि मौजूद रहे। मून न्यूज के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।